तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो। अगर बेसिकली इस सवाल को वही कर सकता है जिसको टॉर्क लेने आता होगा, ठीक है ना। आप अगर नीट की तैयारी कर रहे हो और ये फाइनल स्टेप है तो सुपर 100 है, और आई होप कि आप टॉर्क रोटेशन पढ़े हुए, टॉर्क लेने आपको आता होगा। एक क्यूब इज रेस्टिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो अगर एक क्यूब इंक्लाइंड प्लेन पे है तो व्हाट वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द क्यूब एंड फ्लोर। सर, द क्यूब डज नॉट टपल। टपल क्या होता है भैया? उछल जाना, हल्का सा उछल जाना। जैसे एक ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आप टपलिंग पड़े होंगे। अगर मैं यहाँ फोर्स लगाता हूँ तो ऐसा हो सकता है ये ब्लॉक यहाँ से उछल जाए, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है कि एक ब्लॉक जो है ये यहाँ से एक एंड इसका ऐसा चला जाए, ऐसे उछल जाए, ठीक है ना, समझ रहे। तो इसको हम बोलते हैं टपलिंग। अगर यहाँ से पकड़ के खींचोगे यार, तो लीनियर मोशन के अलावा जो है वो रोटेशन भी आ जाएगा टपलिंग। उसी तरह से इंक्लाइंड प्लेन पे इंक्लिनेशन और म्यू डिसाइड करेंगे कि क्या टपलिंग होगा या नहीं होगा। तो वो म्यू कितना होना चाहिए जिसे टपलिंग हो, सो दैट टपल ब्लॉक टपल, ठीक है। फोर्स क्या निकालना, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द क्यू एंड, सो दैट ब्लॉक टपल बिफोर स्लाइडिंग, मतलब टपल कर जाए। तो सबसे पहले फोर्स देखोगे, हम सबको पता है कि जिधर हम फोर्स लगाते हैं टपलिंग के केस में, नॉर्मल अब यहाँ से नहीं होके गुजरेगा, नॉर्मल यहाँ से होके गुजरता है, ठीक है ना। नॉर्मल जिधर फोर्स लगाते हैं उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। तो अब नॉर्मल मैं उसके सेंटर बीच पे नहीं लगाऊंगा, नॉर्मल मेरा अब यहाँ से पास होगा। टपलिंग के केस में नॉर्मल अब यहाँ से गुजरेगा, ठीक है ना। आई होप कि आपको पता होगा, फ्रिक्शन अब यहाँ से स्लाइडिंग करने की टेंडेंसी में है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ लग रहा होगा, ये वाली चीज़। इसके अलावा कौन फोर्स लगा? इसके अलावा वेट तो वहीं लगेगा यार, वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड वहीं लगेगी, वेट थोड़ी चेंज होगा, तो mg तो वहीं लगेगी। इसके अलावा अगर तुम देखोगे तो वेट और ये mg का एक कंपोनेंट, तो mg का एक कंपोनेंट यहाँ से तुम देखोगे इधर आएगा, जिसका नाम होगा mg साइन थीटा, जो कि एक एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम करेगा टपल कराने में। और एम जी का एक कंपोनेंट इधर आएगा जो होगा एम जी कॉस थीटा, अगर ये पूरा का पूरा थीटा है तो ये अब ये जो पॉइंट ओ है, उस ओ पॉइंट पर अगर मैं टॉर्क लेता हूँ तो ये जो एम जी, हाँ टॉर्क आप आई होप कि आपको लेने आता होगा। टॉर्क इक्वल टू होता है, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ क्या है, ठीक है ना, मतलब अगर मान लो ये पॉइंट ओ है, ओ पे मैं टॉर्क ले रहा हूँ फोर्स एफ का, ठीक है। तो ये जो फोर्स है इस पॉइंट पी को, ये पोजीशन वेक्टर आर है और उनके बीच का एंगल कुछ ये थीटा है, तो आर क्रॉस है। तो ये फोर्स इसको राइट हैंड कर्व रूल से तुम देखोगे, ये इसको इधर घुमाएगा, ठीक है ना। तो ये जो एम जी साइन थीटा है ये इसको इधर घुमाना चाह रहा, टपल कराना चाह रहा। तो अगर तुम देखोगे एम जी का एक कॉम्पोनेंट इधर घुमाना चाह रहा है और आर यहाँ से तुम टॉर्क लोगे, तो एम जी पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालोगे ये वाली लेंथ। तो ये अगर ये पूरा का पूरा क्यूब है, तो अगर ये पूरा साइड ए है तो एम जी का ये जो मिड पॉइंट वाली लाइन है ये ए बाई टू हो जाएगी। पहले डिस्टेंस देखो सही से, तो ये वाली जो ये वाली है ए बाई टू हो जाएगी, दिस इज द ए बाई टू। तो अगर मैं टॉर्क देखूँ यहाँ पे, टपलिंग का क्या कंडीशन है कि एम जी साइन थीटा का टॉर्क अधिक होना चाहिए एम जी कॉस थीटा। तुम देखोगे तो एम जी कॉस थीटा इधर आ रहा, ए भी ए बाई टू हो जाएगा, ये वाली लेंथ ए भी ए बाई टू। तो पोजिशन वेक्टर इसका इधर है, आर क्रॉस एफ करोगे तो इस एम जी कॉस थीटा का टॉर्क इसके अपोजिट आएगा इधर, ठीक है ना। एम जी आर क्रॉस एफ, या राइट हैंड कर लो आर क्रॉस एफ लगाओ यहाँ पे, क्योंकि बिकॉज जो टॉर्क है, टॉर्क नॉर्मल का टॉर्क और फ्रिक्शन का टॉर्क यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो पॉइंट ओ से ही पास हो रहे हैं, तो दो का टॉर्क बच गया। तो अगर एम जी साइन थीटा इसको इधर टप घुमाना चाह रहा है, तो एम जी कॉस थीटा उसके अपोजिट घुमा चाह रहा है, तो ये टप तभी टपल करेगा जब एम जी साइन टॉर्क ऑफ एम जी साइन थीटा ग्रेटर होगा टॉर्क ऑफ किसके, एम जी कॉस थीटा के, तो ब्लॉक टपल कर जाएगा, ठीक है ना। टपलिंग का कंडीशन निकालना, तो यहाँ से टॉर्क कैसे निकालते हैं भैया? टॉर्क निकालने का क्या तरीका है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स और परपेंडिकुलर, फोर्स क्या भाई? एम जी साइन थीटा है, ठीक है ना। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर तुम देखोगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ ए बाई टू है, मस्ट बी ग्रेटर देन
एम जी कॉस थीटा, और यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए बाई टू है, तो यहाँ से एम जी ने एम जी को ए बाई टू को कैंसिल कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो टेन थीटा की वैल्यू है, टेन थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन वन, तो टेन थीटा हम सबको पता है म्यू, म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा होता है इनक्लाइन यहाँ प्लेन पे, तो म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन वन फॉर टा, अगर म्यू की वैल्यू एक से अधिक है तो टपलिंग हो जाएगा, अगर म्यू की वैल्यू वन इक्वल टू वन है इक्विलिब्रियम में होगा, और म्यू की वैल्यू लेस देन वन है तो नो टपलिंग, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ तो हमें टपलिंग कराना था, दैट्स वाई सी ऑप्शन इसका सही है। थैंक यू।